Hello everyone, this is Pradip Aryan and you are watching our channel Elite English Classes. आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं इस समय सिनोनिम्स, जिनको हिंदी में हम कहते हैं समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं। डेड, मृत या निर्जीव, लाइफलेस, मृत या निर्जीव। डीके, विनाश, रुइन, विनाश। डिसाइड, निर्णय करना, सेटल, निर्णय करना। डिक्लाइन, अस्वीकार करना, रिफ्यूज, अस्वीकार करना। डेकोरेट, सजाना, एडॉर्न, ब्यूटीफाई, सजाना। डेमिस, मृत्यु, डेथ, मृत्यु। डिस्प्यूट, झगड़ा, क्वारल, झगड़ा। डिस्टिंक्ट, स्पष्ट, क्लियर का मतलब भी स्पष्ट होता है। डिस्ट्रेस, संकट, डिफिकल्टी, संकट। डाइवर्स, भिन्न, डिफरेंट, भिन्न। डल, नीरस, बोरिंग, नीरस। डिलीजेंट, परिश्रमी, हार्ड वर्किंग, परिश्रम। डिम, धुंधला, फेंट, डल, धुंधला। डिसईज, बीमारी, इलनेस, बीमारी। डिसलाइक, घृणा करना, हेट का मतलब होता है घृणा करना। ईट, भोजन करना, डाइन, भोजन करना। एफर्ट, प्रयास, अटेम्प्ट, प्रयास। एनिमी, शत्रु, फो, शत्रु। एवो, सदैव, ऑलवेज, सदैव। फेवल, कहानी, स्टोरी, कहानी। फेयर, सुंदर, ब्यूटीफुल, सुंदर। फेमस, प्रसिद्ध, रिनोन्ड, प्रसिद्ध। फाइनल, अंतिम, लास्ट, अंतिम। फॉरेस्ट, जंगल, और जंगल को भी जंगल ही कहते हैं। हियर, सुनना, लिसन, सुनना। इंजर, हानि पहुंचाना, हार्म, हानि पहुंचाना। इंटेलिजेंट, बुद्धिमान या होशियार, क्लेवर, बुद्धिमान या होशियार। इंटेंशन, उद्देश्य, पर्पज, उद्देश्य। जस्ट, न्यायसंगत, लॉफुल, न्यायसंगत। लेजी, आलसी या सुस्त, आइडल, आलसी या सुस्त। लीप, कूदना, जंप, कूदना। मैड, विक्षिप्त या पागल, इनसेन का मतलब भी विक्षिप्त या पागल होता है। मील, भोजन, फूड, भोजन। मर्सी, दया, पिटी, दया। माइट, शक्ति, पावर, शक्ति। नीट, स्वच्छ या साफ, क्लीन, स्वच्छ या साफ। पैराडाइज, स्वर्ग, और हेवन का मतलब भी स्वर्ग ही होता है। पार्डन, क्षमा करना, फॉरगिव, क्षमा करना। पे, वेतन, सैलरी, वेतन। प्रिटी, सुंदर, अट्रैक्टिव, सुंदर। प्रोटेक्ट, रक्षा करना, डिफेंड, रक्षा करना। रिस्पेक्ट, सम्मान, ऑनर, सम्मान। सैड, उदास, अनहैप्पी या जॉयलेस का मतलब भी उदास होता है। सेवेज, जंगली, वाइल्ड, जंगली। सर्पेंट, सांप, स्नेक का मतलब भी सांप होता है। साइलेंट, शांत, क्वाइट, शांत। सिंपल, सीधा साधा, प्लेन, सीधा साधा। स्ट्राइव, प्रयत्न करना, ट्राई, प्रयत्न करना। सफिशियंट, पर्याप्त, इनफ, पर्याप्त। ट्रबल, कष्ट या परेशानी, वरी, कष्ट या परेशानी। वैकेंट, खाली, एम्प्टी का मतलब भी खाली होता है। और इसी प्रकार अंत में हमारा वॉ, प्रतिज्ञा, और प्रॉमिस का मतलब भी प्रतिज्ञा होता है। तो ये थे कुछ पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द या फिर कहें तो सिनोनिम्स। तो आज हमने अपने कुछ सिनोनिम्स कंप्लीट कर लिए हैं, और
जैसा कि मैं आपसे वादा कर चुका हूं कि मैं होमोफोन्स, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की जल्द ही एक सीरीज लेके आऊंगा, ताकि और अधिक जो टफ एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और होमोफोन्स होते हैं वो आपको जानने को मिले और आप उससे और अधिक सीख सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।